हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे शनि का नक्षत्र परिवर्तन। 22 अगस्त से अगले 56 दिनों तक शनि वक्री अवस्था में सतविषा नक्षत्र में रहेंगे। शनि की वक्री चाल इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी। कौन है वह भाग्यशाली राशियाँ? इन 56 दिनों के भीतर हर इच्छा उनकी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, शनि का वक्री अवस्था में सतविषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 22 अगस्त से अगले 56 दिनों तक शनि वक्री अवस्था में ही सतविषा नक्षत्र में रहेंगे। शनि की वक्री चाल 5 राशि के लोगों के लिए करियर, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाली रहेगी। चलिए जानते हैं शनि का यह गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले व्रत त्यौहार और धार्मिक बातें सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना गया है। शनि जब भी गोचर करते हैं उसका असर सभी राशि पर देखने को मिलता है। शनि आज से यानी कि 22 अगस्त से वक्री अवस्था में ही सतविषा नक्षत्र के पहले चरण में गोचर कर जाएंगे। शनि 15 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। शनि की वक्री अवस्था भी 5 राशि के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो शनि का गोचर किन 5 राशि के लिए बहुत ही लाभ दिलाने वाला है, चलिए जान लेते हैं। शनि की वक्री अवस्था पहली राशि जो है मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी रहने वाली है। इस दौरान आप यदि किसी कोई नई योजना की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो आपकी इच्छा जो है पूरी होगी। वहीं कारोबारियों के लिए भी शनि लाभ दिलाएंगे। नौकरी पेशा के लोगों पर भी शनि की विशेष कृपा रहने वाली है। उन्हें आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। इन 56 दिनों के भीतर में आप जो चाहेंगे मेष राशि वाले आप कर सकते हैं। वह इच्छा जो है आपकी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। अब दूसरी राशि जो है दोस्तों, वक्री शनि के सतविषा नक्षत्र में प्रवेश करना मिथुन राशि वाले के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। इस अवधि में आपको शुभ फल मिलेंगे। इस दौरान आप जो भी यात्राएं करेंगे वह सभी सफल रहेंगे और आपको उत्तम लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाने की कोशिश में हैं उन्हें इस दौरान काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। यानी कि मिला जुला कर हम बात करें तो मिथुन राशि वाले जो चाहेंगे वह आपको जरूर मिलेगा। तो इन 56 दिनों के भीतर आप अपना कोशिश पूरा रखें और शनि देव का जो है कृपा पाने के लिए उनकी अधिक से अधिक पूजा आराधना जरूर करें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। अब अगली जो है तीसरी राशि जो है दोस्तों, वक्री शनि सिंह राशि के जातकों के करियर में 4 चांद लगाएंगे। इस दौरान आपको करियर में काफ़ी अच्छे मौके मिलने वाले हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों को कामयाबी हासिल होगी। आप पिछले काफ़ी समय से जो काम करने का विचार कर रहे थे वह अब पूरे होते जाएंगे। साथ ही आपको शनि की कृपा से अच्छा खासा धन भी लाभ होगा और जो भी आप चाहेंगे इन 56 दिनों के भीतर आपको अवश्य मिलेगा। आप शनि देव की आराधना करते रहें अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। इन 56 दिनों के भीतर अपना कोशिश पूरा जारी रखें, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अब अगली जो है दोस्तों, चौथी राशि जो है वो है शनि की वक्री सतविषा नक्षत्र में गोचर हैं जो तुला राशि वाले। तुला राशि के लोगों के लिए अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। आपको अच्छी खासी मात्रा में धन भी लाभ हो सकता है। करियर के लिहाज से भी यह समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। साथ ही आपको अपनी मेहनत पर पूरा फल मिलेगा। यानी कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। तो आप लोग इन 56 दिनों के भीतर में आप अपना कोशिश पूरा जारी रखें और
भगवान जो है शनि देव की आराधना करते रहें और अपनी मनोकामना पूर्ण जरूर करें। अगली जो है पांचवा राशि दोस्तों, शनि वक्री की चाल धनु राशि के नौकरी पेशा के लोगों के लिए कामयाबी दिलाने वाला रहेगा। इस राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपना बॉस से प्रशंसा सुनने को मिलेगा, जिससे आपके प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। यानी कि मिला जुला कर हम बात करें तो धनु राशि वालों की जो भी इच्छा है वो इच्छा इन 56 दिनों के भीतर में अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आप उस पर लगे रहिए और मेहनत पूरा करना है दोस्तों, मेहनत पूरे करते रहिए और शनि देव का साथ आप लोगों को इन 5 राशि वालों को मिलने वाला है। तो आप लोग इनकी आराधना पूजा करते रहें और मन में विश्वास बना करके अपने काम को पूर्ण करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और शनि देव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।